हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ राज्य के करंट अफेयर कवर करूंगा 1 जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2017 तक, यानी कि 7 महीने के करंट अफेयर इसे एक वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो लगभग 1 घंटे का होगा और इसमें मैं जब आपको समझाऊंगा करंट अफेयर तो कुछ क्वेश्चन भी पूछता चलूंगा और उनके जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में लिख के मुझे देंगे। अगर आप SSC, CGL, CHSL, बैंक PO क्लर्क या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या फिर दिए हुए 3 नंबर में से कोई भी एक डायल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इंडियन रेलवेज ने अभी अभी झारखंड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर साइन किया है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि जो पटरियां बिछाई जाएंगी रेल की, उसमें सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पैसा लगाएंगी और ये जो पैसा लगेगा ये दोनों मिलके लगाएंगे जिससे रेलवे का विस्तार हो सके। तो आपको ये याद रखना है कि झारखंड से पहले, झारखंड 9वां राज्य बना है रेलवेज के साथ जॉइंट वेंचर करने वाला, लेकिन इससे पहले 8 राज्य ऑलरेडी कर चुके हैं और उनमें एक है छत्तीसगढ़। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और गुजरात ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ। और हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज आप जानते हैं सुरेश प्रभु। एक बात और, हमारे रेलवे के बोर्ड के नए जो चेयरमैन बने हैं वो हैं अश्विनी लोहानी। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की। स्वच्छ सर्वेक्षण होता है ये देखने के लिए कि कौन सा शहर कितना साफ है। 434 शहर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा जो टॉप 50 हैं उनमें साफ सुथरे शहर हैं गुजरात के 12, उसके बाद है मध्य प्रदेश के 11 और फिर है आंध्र प्रदेश के 8। भारत का सबसे ज़्यादा साफ सुथरा शहर है इंदौर, फिर है भोपाल। तो शुरू के जो 11 हैं वो आपको याद रखने हैं, इंदौर, फिर भोपाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सूरत, मैसूरू कर्नाटक में है। एक बात याद रखिए, जो मैसूर है ये पिछले 2 बार से नंबर 1 चल रहा था, 2016 में और 2015 में दोनों बार ये था नंबर 1। इस बार ये 5वें पायदान पर खिसक गया है। तिरुचिरपल्ली जिसे त्रिची बोलते हैं ये तमिलनाडु में है, नई दिल्ली, फिर नावी मुंबई, तिरुपति, वडोदरा, चंडीगढ़ और फिर उज्जैन। तो आप देख सकते हैं कि जो शुरू के 10 हैं उनमें छत्तीसगढ़ का कोई भी शहर नहीं है। तो छत्तीसगढ़ ने कैसा परफॉर्म किया स्वच्छ सर्वेक्षण में देखते हैं। ये है छत्तीसगढ़ की रैंकिंग। इसमें सबसे जो साफ सुथरा शहर है छत्तीसगढ़ का वो है अंबिकापुर, और अंबिकापुर है 15वें नंबर पे, फिर है भिलाई नगर 54, दुर्ग 85, रायगढ़ 104, रायपुर 129, राजनंदगांव 164, बिलासपुर 179 और जगदलपुर 232। तो इनकी रैंकिंग याद रखिए आप, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लगभग 7-8 हैं। तो अंबिकापुर है सबसे साफ सुथरा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से छत्तीसगढ़ का। और जो पूरे भारत के सबसे गंदे शहर हैं उनमें जो लास्ट है वो है गोंडा, ये उत्तर प्रदेश में है। सेकंड लास्ट है भुसावल जो महाराष्ट्र में है, फिर बागा बिहार, हरदोई उत्तर प्रदेश, कटिहार ये बिहार में है, भारेच उत्तर प्रदेश और 2 पंजाब में है, मुक्तसर और अबोहर। ये है नीचे से 8। तो सबसे गंदा भारत का शहर है गोंडा उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के 3 शहर जो हैं उन्हें अवार्ड भी मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अंबिकापुर को, भिलाई नगर को और राजनंदगांव को। इन्हें स्पेशल अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्लेनलीनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कैसे, अंबिकापुर की बात करते हैं पहले। तो अंबिकापुर जो है वो उसकी जो रैंकिंग थी 464 थी, कब, 2014 में, और अब 2017 में 3 साल बाद कितनी हो गई है, 15। तो 464 से 15 तक का सफ़र आप देख सकते हैं। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह उन्होंने कितना अच्छा काम किया होगा। भिलाई की बात करते हैं, भिलाई की 379 थी, इससे इम्प्रूव होके 54 हो गई है, और राजनंदगांव की 399 थी, इससे इम्प्रूव होके 164 हो गई है। रायपुर ने भी अच्छा परफॉर्म करा है, रायपुर की 293 से 129 हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त काम किया है वो है अंबिकापुर, अंबिकापुर की रैंकिंग आप देख सकते हैं 464 से 15। और जो छत्तीसगढ़ है उसके 8 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर। तो ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि स्वच्छ सर्वेक्षण में कितने शहर थे, तो टोटल थे 8, अंबिकापुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर। अंबिकापुर जो है उसकी जैसे मैंने बताई रैंकिंग आपको 15, और जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो है राजनंदगांव, तो वहाँ पे भी जो अर्बन मिनिस्टर फॉर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट है अमर अग्रवाल, उनका होम सिटी है बिलासपुर। तो इनकी जो रैंकिंग है ये भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पीपल हैं यहाँ के, बिलासपुर 179 और राजनंदगांव 164। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं अब, यानी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है उन्होंने 2 स्कीम चलाई हुई हैं, एक स्वदेश दर्शन और एक प्रसाद। और
अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो नरेंद्र तोमर जिसके मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट दोनों के, उन्होंने चलाई हुई है हृदय। तो तीन स्कीम है जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वदेश दर्शन की। स्वदेश दर्शन ये है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है राज्य के अंदर उसको बढ़ाएंगे और सर्किट बनाएंगे कई सारे। उनमें सर्किट बनाने का फायदा ये होता है कि सर्किट में एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा लोकेशन हो जाती हैं, तो जो लोकल लोग हैं उनका भी विकास होता है और ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो ये फायदा होता है एक सर्किट बनाने का। तो स्वदेश दर्शन में कई तरह के सर्किट बनाए जा रहे हैं और सारा पैसा लगा रहा है केंद्र सरकार। 100% फंडिंग विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरी स्कीम है प्रसाद। प्रसाद की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, यानी कि जो हमारे धार्मिक स्थान है उनका विकास, और ये है प्रसाद। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चला रहा है। हमारे कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेश शर्मा। और तीसरी है हृदय, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसमें जो हमारी धरोहर है, हमारे ऐसे शहर, उनका विकास किया जा रहा है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ को कैसे फायदा हुआ है। तो जो रामायण सर्किट है और कृष्णा सर्किट, ये दो तरह के खास सर्किट बनाए जा रहे हैं और रामायण सर्किट का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का एक शहर जगदलपुर। तो 11 डेस्टिनेशन रामायण सर्किट के अंदर आएंगे। 11 कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं, 6 राज्यों के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ये वो जगह है जिनका कोई ना कोई संबंध रामायण से है, जैसे अयोध्या जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, या चित्रकूट, या हम्पी, हम्पी की गुफाओं में हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये सारे हैं। तो इनमें छत्तीसगढ़ का भी एक शहर है, वो है जगदलपुर। रामायण सर्किट बन रहा है उसमें 11 डेस्टिनेशन में से एक है जगदलपुर। कृष्णा सर्किट में हालांकि छत्तीसगढ़ का कोई भी शहर नहीं है। तो जो कृष्णा सर्किट है इसमें 12 डेस्टिनेशन है 5 स्टेट्स के अंदर, जैसे द्वारका, नाथद्वारा, जयपुर सीकर, कुरुक्षेत्र, मथुरा, गोकुल, बरसना, नंदगांव, गोवर्धन, पुरी इत्यादि। और ये जो सर्किट है आपको पता है ये स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बन रहे हैं। तो ये जो रामायण और कृष्ण सर्किट है ये स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत बन रहे हैं। अब बात करते हैं प्रसाद स्कीम की। प्रसाद स्कीम में जो हमारे धार्मिक स्थल है उनका विकास किया जा रहा है। तो इसमें जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो 12 शहर थे, फिर पटना जोड़ दिया गया एक, और फिर 12 इस साल। तो टोटल इसमें 25 धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसमें भी छत्तीसगढ़ का कोई भी शहर नहीं है प्रसाद स्कीम के तहत जो डेवलप किया जा रहा है। और प्रसाद स्कीम भी चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। उसके बाद हृदय स्कीम की बात करते हैं। जो हृदय स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं चला रहा है। इसमें 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है। भारत के 12 धरोहर ऐसे शहर आइडेंटिफाई किए गए हैं, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलनकन्नी और वारंगल। और इन सब शहरों की कोई ना कोई धरोहर है, इंपॉर्टेंस है। इन पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा, और डेडलाइन है नवंबर 2018, यानी नवंबर 2018 तक विकास किया जाएगा। तो हृदय स्कीम में भी छत्तीसगढ़ का कोई भी शहर नहीं है। चौथी नेशनल समिट हुई गुड रेप्लीकेबल प्रैक्टिसेज एंड इनोवेशंस इन पब्लिक हेल्थ केयर, ये इंदौर के अंदर हुई। और इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, आप जानते हैं सबसे भारत का साफ सुथरा शहर है इंदौर। और यहाँ की जो एमपी हैं लोकल वो हैं सुमित्रा महाजन, और ये लोकसभा की स्पीकर भी हैं। तो इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया। बेसिकली हम अपनी भारत में जो हेल्थ केयर है, सरकारी हस्पताल, उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं, यानी पब्लिक हेल्थ केयर को बेटर कैसे कर सकते हैं, इस पर हुआ ये चौथा राष्ट्रीय समिट। और इसमें कई अवार्ड भी दिए गए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर भी इसमें चर्चा हुई, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा। अब इसमें छत्तीसगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कई सारे अवार्ड दिए इसमें, तो एक अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ को। ये 3 राज्यों को मिला, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। और ये अवार्ड था एवरेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी ऑफ स्टेट्स। कहने का मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है जो पेशेंट अपनी जेब से निकाल के देता है, जिसकी वजह से वो गरीब हो जाता है। अगर कोई गरीब आदमी है उसे मेडिकल सर्विस चाहिए तो वो अपनी जेब से खर्चा करेगा तो गरीब हो जाएगा, और कई बार तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे भी हो सकता है। तो किस राज्य में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम है, यानी सबसे अच्छा है लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ केयर यानी सरकारी हॉस्पिटल में, उसके लिए 3 राज्यों को अवार्ड मिला है, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। और उसमें छत्तीसगढ़ एक है, इसलिए आपको याद रखना है कि 4th जो नेशनल समिट हुई थी उसमें छत्तीसगढ़ को किस कैटेगरी में अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं भिलाई स्टील प्लांट की। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है इसने 1200 करोड़ रुपए का यूनिवर्सल रेल मिल लगाया है, उसका इनॉग्रेशन किया है। इसका इनॉग्रेशन करा हमारे स्टील मंत्री बीरेंद्र सिंह ने, ये हैं हमारे स्टील मिनिस्टर। और इसी के साथ जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है दुनिया की सबसे लंबी सिंगल रेल 130 मीटर का, ये अपनी नई यूनिवर्सल रेल मिल से ये प्लांट लगाया है भिलाई स्टील प्लांट ने। 1200 करोड़ रुपए का प्लांट है ये, याद रखिए। और इसमें जो समझने वाली चीज़ ये है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है, अब इसकी जो टोटल कैपेसिटी है रेल बनाने की, वो 20 लाख टन पर एनम हो गई है, जिसे हम बोलते हैं MTPA यानी मिलियन टन पर एनम। ये सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी है रेल्स के लिए एक सिंगल लोकेशन पर।
पूरी दुनिया में, याद रखिए। और भिलाई स्टील प्लांट की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, आप जानते हैं, ये भारत का पहला और मेन प्लांट है स्टील रेल बनाने के लिए। इसके अलावा ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है भारत में वाइड स्टील प्लेट्स का और दूसरे स्टील प्रोडक्ट्स का। इसको हमने रशिया की मदद से, उस वक्त उसको सोवियत बोलते थे, यूएसएसआर, और इसकी मदद से लगाया था 1955 में। इसको लगाया किसने था भिलाई स्टील प्लांट को? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने, जो कि एक महारत्न कंपनी है। ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्लांट है, फ्लैगशिप प्लांट है, याद रखिए। और सबसे ज्यादा जो सेल का प्रॉफिट होता है वो भिलाई स्टील प्लांट से ही होता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मिनिस्टर मंत्री तरुण प्रसाद चटर्जी, इनका निधन हो गया। इन्होंने कई सारी पार्टी रिप्रेजेंट की है, जैसे सबसे पहले विधानसभा में चुने गए थे रायपुर रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1980 में कांग्रेस के टिकट पर। उसके बाद ये 1990 में जनता पार्टी के टिकट से चुने गए थे। 1993 में ये दोबारा चुने गए एमएलए, इस बार बीजेपी के बने, और फिर चौथी बार फिर दोबारा 98 में बीजेपी के बने थे। इसके अलावा ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे 2002 से 2003 में, जब अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो पूछ सकते हैं कौन से मिनिस्टर थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये जनरल सेक्रेटरी थे 2003 से 2013 तक, यानी 10 साल से ज्यादा। तो इनका नाम है तरुण प्रसाद चटर्जी। छत्तीसगढ़ जो है उन्होंने एक गाय जो होती है काओ, उसके लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, और इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने की है। और बेसिकली छत्तीसगढ़ में ये काओ बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो गाय है उसका, उसकी सारी चीज़ें काम आती हैं, जैसे बायोगैस, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह में भी जो गाय का गोबर वगैरह है वो काम आता है, गाय की जो यूरिन वगैरह है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए काम आती है। और तो एक काओ बेस्ड इकोनॉमी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह बनाना चाहते हैं। एक इन्होंने स्कीम भी चलाई हुई है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ पशु क्रूरता अधिनियम। मैं रिपीट करता हूँ, छत्तीसगढ़ पशु क्रूरता अधिनियम। इसके तहत गाय का जो वध है, काउ स्लॉटर और ट्रांसपोर्ट बीफ का, वो बैन है, और अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसको 7 साल की सजा जेल में और 50,000 रुपये का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, डॉक्टर अमन सिंह ने अभी अभी एक रैली में ये भी कहा कि अगर गाय का कोई वध करेगा तो उसे मृत्युदंड भी देना चाहिए। हालांकि इस पे ऑफिशियली कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन उनके विचार ऐसे थे। तो बेसिकली वो गाय की हत्या, गौ हत्या रोकने चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऑलरेडी एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट कर चुके हैं गाय के लिए। एक और बात, ये जो एम्बुलेंस सर्विस है ये छत्तीसगढ़ के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट की गई है। छत्तीसगढ़ ने भारत का सबसे महंगा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का ब्लॉक ऑक्शन किया है, उसकी नीलामी करी है, याद रखिए। ये तीसरा लाइमस्टोन ब्लॉक है, इसका नाम था कैसला द्वितीय, और इसको खरीदा है डालमिया सीमेंट ने। ये बिडिंग हुई थी और ये काफ़ी लंबी बिडिंग चली थी, तो ये इसके प्राइस भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिला है। कैसला जो टू ब्लॉक है ये है कहाँ छत्तीसगढ़ में? ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तिल्दा तहसील के अंदर। लगभग 357 हेक्टेयर का एरिया है ये, और इसमें एवरेज ग्रेड 43% कैल्शियम ऑक्साइड की क्वालिटी वाला ये मिलता है। इस और ये जो अमाउंट है, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था ओडिशा का। ओडिशा में जो गोरा बुरहानी सगाशी आयरन ओर है वो बिका था, और वो बिका था लगभग 8,215 करोड़ रुपए में। तो उसका रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है, और ये सबसे महंगा भारत का लाइमस्टोन ब्लॉक बन गया है जो छत्तीसगढ़ ने, जिसकी नीलामी करी है। अब इसमें समझने वाली बात ये है, छत्तीसगढ़ के नाम फरवरी 2016 में एक और रिकॉर्ड था, भारत का पहला, सबसे पहला सक्सेसफुल नॉन कोल मिनरल ऑक्शन भी छत्तीसगढ़ में हुआ था फरवरी 2016 में, और ये था कढ़ी चंडी लाइमस्टोन ब्लॉक। ये भारत का, याद रखिए, एक और चीज़ याद रखनी है छत्तीसगढ़ के अंदर, की एकमात्र भारत की जो सोने की खदान है वो भी छत्तीसगढ़ ने नीलाम करी है। ये आज तक की एकमात्र भारत की सोने की माइन है जो छत्तीसगढ़ ने नीलाम की है। इसकी बिडिंग खरीदी थी वेदांता ने, और ये पहला ऑक्शन था भारत में जो किसी भी गोल्ड माइन का हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के नाम कई सारे ये रिकॉर्ड है माइनिंग के ऑक्शन के। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का 5वां राज्य बना जिसने अडॉप्ट करा था जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो जीएसटी आप जानते हैं 1 जुलाई से लागू हो गया, और ये 122वां अमेंडमेंट बिल था और 101वां अमेंडमेंट एक्ट था। भारत में इनडायरेक्ट टैक्स है ये, जीएसटी लागू हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ 5वां राज्य बना था जिसने जीएसटी को अपनाया था, और अब भारत के जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं सारे अडॉप्ट कर चुके हैं जीएसटी को। और अगर पूछें आपसे कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने स्टेट जीएसटी को अपनाया था, तो वो था तेलंगाना, और सबसे आखिरी था जम्मू एंड कश्मीर। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उन्होंने 4 MOU साइन करे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्राइवेट कंपनियों के साथ। तो ये जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए करें छत्तीसगढ़ में, अब ये इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं। ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी इससे वो आएगी 386 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक्स में और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। तो जो एक कंपनी है, इनके नाम आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मार्ट रॉन 4 स्टार है,
वॉटसन इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये है अरकास बायोकॉन। ये चार कंपनी है जिनके जो इन्वेस्टमेंट करेंगी छत्तीसगढ़ में 386 करोड़ रुपए का। अब ये कंपनी कहाँ कहाँ क्या क्या लगाएंगी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ज़्यादातर जो कंपनी है सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा नया रायपुर में, मैं रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी यहीं पे होंगी। ये एक तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा नया रायपुर के अंदर, ये बन रहा है और जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और इसमें ये कंपनी अपना अपना प्लांट लगाएंगी। जैसे स्मार्ट्रोन है वो स्मार्टफोन्स वगैरह के लिए प्लांट लगाएगी, फॉरेस्टर टेक्नो सॉल्यूशंस है वो भी अपना असेंबली प्लांट लगाएगी, और अरकास बायोकॉन है वो एक लिक्विड ग्लूकोज और डेरिवेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। लेकिन ये सारे के सारे कहाँ लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर के अंदर। इरकॉन की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसका बाद में नाम हमने इरकॉन कंपनी लिमिटेड कर दिया था। तो इरकॉन जो है ये 140 किलोमीटर का रेल ट्रैक बना रही है छत्तीसगढ़ में, 140 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिछा रही है, कहां से कहां तक, जगदलपुर से रावघाट तक। याद रखिए टोटल खर्चा होगा इसमें 2538 करोड़ रुपए। इसमें अब समझने वाली बात यह है कि जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है ये हुआ है एक दो उसके बीच में, इरकॉन के बीच में और बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड जिसे बोलते हैं BRPL। अब जो BRPL है ये क्या है, ये एक जॉइंट वेंचर है, पहले इसकी फुल फॉर्म ढंग से याद कर लीजिए, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक जॉइंट वेंचर है NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, इरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और CMDC यानी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में। इसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है BRPL में वो किसका है, NMDC का है यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है, इसका 43% स्टेक है इसके अंदर। और रेलवे जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे 13 नए रेलवे स्टेशन अभी शुरू किए जाएंगे, 13। इसके अलावा एक लोगो भी रिलीज हुआ है बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड का, जो वहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने यहाँ का लोगो भी रिलीज करा है। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के टॉप 3 स्टेट्स में है मिनरल फंड्स के अंदर, मिनरल फंड्स के अंदर, याद रखिए। ये कहा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, इनका सर्वे था, इनका अपना खुद का एनालिसिस था, और छत्तीसगढ़ की जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है यानी DMF, उसके पास लगभग 1042 करोड़ रुपए के फंड हैं जो उसने 2 साल में कलेक्ट करे हैं, जो उड़ीसा और झारखंड के बाद सबसे ज़्यादा हैं, ये याद रखिए। तो 2016-17 फाइनेंशियल ईयर के लिए छत्तीसगढ़ के जो मिनरल फंड है भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। अगर पूछें सबसे ज़्यादा किसके पास है तो आंसर है उड़ीसा 1932 करोड़, दूसरे नंबर पे झारखंड 1056 करोड़ और फिर 1042 करोड़, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो फ़र्क है वो सिर्फ 14 करोड़ रुपये का है बस, और पहले नंबर पे उड़ीसा है जो काफ़ी बड़ी लीड के साथ 1932 करोड़ पे फर्स्ट पोजीशन पे है। और अगर पूछें छत्तीसगढ़ में 5 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा फंड है मिनरल फंड, तो सबसे ज़्यादा है कोरबा के पास 388 करोड़, फिर दांतेवाड़ा 199, फिर है जंजगीर चंपा 77 करोड़, बलोड़ा बाजार 64 करोड़ और रायगढ़ 52 करोड़। तो ये याद रखने हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में मिनरल फंड सबसे ज़्यादा किसके पास है, कोरबा। और DMF ये है क्या जिसकी मैं इतनी बात कर रहा हूँ, मिनरल फंड ये है क्या, ये भारत के सेंट्रल माइनिंग लॉ के तहत स्टार्ट किया गया था, द माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। इसका मेन पर्पज़ ये है कि एक इंपॉर्टेंट स्कीम भी चलाई हुई है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, यानी कि जो सितंबर 2015 में स्कीम स्टार्ट की गई थी, इसका पर्पज़ ये है कि हमारे जो खनिज क्षेत्र हैं भारत के उनका हमें विकास करना है। तो इस योजना का नाम याद रखिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। और DMF के प्रोविजन के तहत जो माइनर हैं यानी जो माइनिंग करते हैं और जो माइनिंग कंपनी है उनको एक सम पे करना होता है DMF ट्रस्ट को, जहां पे उनकी माइन लोकेटेड होती है, इसको बोलते हैं DMF यानी कि मिनरल फंड। और ये जो योजना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये 17 सितंबर 2015 को स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इसमें उन एरियाज का विकास किया जाएगा, वेलफेयर किया जाएगा और उन लोगों का विकास किया जाएगा जो माइनिंग के अंदर है, याद रखिए। और इनके विकास करने के लिए जो फंड्स हैं वो DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के जो फंड हैं वही यूज़ किए जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसने महानदी के ऊपर 31 प्रोजेक्ट हैं जिन पर रोक लगा दी है, याद रखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने स्टे लगा दिया है 31 प्रोजेक्ट, ये छत्तीसगढ़ की सरकार बना रही थी महानदी रिवर के ऊपर। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो कोलकाता बेंच है उन्होंने ये ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है ये 31 प्रोजेक्ट उनको ये कमीशन नहीं कर सकती, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलने के
बाद भी एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया था, लेकिन फिर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का डिसीजन अगर छत्तीसगढ़ की सरकार खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेसिकली एक कोर्ट होता है जो एनवायरमेंट के संबंधी डिसीजन लेता है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है स्वतंत्र कुमार, जस्टिस स्वतंत्र कुमार। छत्तीसगढ़ जो है ये गैस गोडाउन बना रहा है नक्सल प्रभावी एरिया में, नक्सल प्रभावित जो एरिया है उनमें उज्ज्वल स्कीम के लिए। मैं रिपीट करता हूँ, पहले तो ये समझ लीजिए उज्ज्वल योजना है क्या। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार हैं उन्हें एलपीजी गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडाइज अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, फिर ये सिलेंडर अवेल कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है जिससे जो चूल्हा बेस्ड इकोनॉमी है यानी कि जो वुड वगैरह यूज़ करते हैं, चूल्हा यूज़ करते हैं, उससे प्रदूषण काफ़ी होता है, और ये प्रदूषण फेफड़ों के रोग फैलाता है, और ये एनवायरनमेंट में भी प्रदूषण करता है। और हम अब COP 21 यानी पेरिस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, यानी हमें अब अपना पोल्यूशन कंट्रोल करना है, तो इसके लिए ये उज्ज्वल योजना चलाई हुई है। और छत्तीसगढ़ की सरकार अब क्योंकि एलपीजी गैस के सिलेंडर उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो गैस है एलपीजी गैस हम यूज़ करते हैं जैसे आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन इत्यादि, ये सब गैस हम यूज़ करते हैं, प्रोपेन का मिक्सचर कई बार यूज़ करते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का, तो एलपीजी गैस को स्टोर करने के लिए गैस गोडाउन बनाए जाएंगे और ये जो नक्सल प्रभावित एरिया है उनके अंदर बनाए जाएंगे। इसमें थोड़ा एक रिस्क ये था कि नक्सल प्रभावित एरिया में अगर आप गैस की गोडाउन बनाते हो तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, कल को इन्हें बम से उड़ा सकता है कोई, और गैस की गोडाउन है तो काफ़ी विस्फोटक का काम कर सकते हैं, काफ़ी हाईली इन्फ्लेमेबल है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उन्होंने कहा है कि हम 25 लाख घरों को ये प्रदान करेंगे गैस कनेक्शन, और इसीलिए हम ये गैस गोडाउन बनाएंगे। तो इनका टारगेट है 2.5 मिलियन यानी 25 लाख घर। और सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से कोई भी ऑयल कंपनी तैयार नहीं थी गैस गोडाउन बनाने से नक्सल प्रभावित एरिया के अंदर, लेकिन सरकार ने डिसाइड करा है कि 50 गोडाउन बनेंगे 19 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और टोटल खर्चा आएगा इसमें 5 करोड़ 25 लाख रुपए। और जो ये 50 गांव बनेंगे ये कहां कहां बनेंगे, 31 बनेंगे इनमें बस्तर और सरगुजा डिवीजन में, और दोनों ही नक्सल प्रभावित हैं। 19 गोडाउन बनेंगे बस्तर में और 12 बनेंगे सरगुजा डिवीजन में, तो 50 में से सबसे ज्यादा बनेंगे बस्तर और सरगुजा में, 19 बस्तर में और 12 सरगुजा डिवीजन में। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उन्होंने फार्मर की इनकम डबल करने का प्लान बनाया है। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने कहा है कि 2022 तक हम जो भारत के किसान हैं उनकी इनकम डबल कर देंगे, तो ये 2022 इन्होंने टारगेट रखा है, और 2022 ही प्रधानमंत्री आवास योजना की डेडलाइन है, वो भी 2022 है, जिसमें 6 करोड़ घर बनाए जाएंगे, 4 करोड़ गांव वाले एरिया में, रूरल एरिया में, और 2 करोड़ अर्बन एरिया में। इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, हम इसे बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा है कि हम फार्मर की इनकम को डबल कर देंगे। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनका एक प्रोग्राम आता है रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम है रमन के गोद, तो इसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि किसानों को हम 3200 करोड़ रुपए का लोन देंगे जो इंटरेस्ट फ्री होगा खरीफ सीजन के लिए। ये पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया जाएगा 3200 करोड़ का लोन। इसके अलावा 40 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड ये फार्मर को इशू किए जा चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड होते हैं जिनमें फार्मर को ये पता चल जाता है कि जो उनकी मिट्टी है उनमें कौन से खनिजों की कमी है, और उसी हिसाब से फिर वो फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड कर सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो फार्मर हैं उन्हें डॉक्टर रमन सिंह ने ये भी कहा कि हर 2 साल में उनको अपनी सॉइल जो है वो एग्जामिन करवानी होगी, और उसी हिसाब से फिर वो फर्टिलाइज़र और दूसरे खनिज डाल सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड की रिकमेंडेशन जो है उसके हिसाब से। और आधार कार्ड जो है वो अनिवार्य होगा, अगर आपको सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम अवेल करनी है तो आधार कार्ड आपका कंपलसरी होगा। और जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ये 17 फरवरी 2015 को लॉन्च करा था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है, यानी हमारा जो कृषि मंत्रालय है उसने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू कब करी थी, 17 फरवरी 2015 को। इसमें जो हमारी मिट्टी है उसमें 12 पैरामीटर होते हैं जो जिससे पता चलता है मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इत्यादि। तो मेन तो होते हैं एनपीके, एनपीके का मतलब है एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटेशियम। और फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए रिलेटिवली, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरोन। इसके अलावा मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है यानी एसिडिक है कि बेसिक है, तो ये सब बहुत सारे पैरामीटर पे मिट्टी की जांच होती है, और फिर उसी हिसाब से किसानों को बताया जाता है आपकी मिट्टी के लिए उचित क्या है। अब जो अमृत मिशन है वो भी
छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट करा हुआ है। अमृत क्या होता है, देखिए हमारे जो शहर बने हुए हैं वो पुराने बने हुए हैं अंग्रेजों के ज़माने के, तो हमारे शहर जो है उनका नवीनीकरण आधुनिकरण किया जाना है, उसको बोलते हैं अमृत, यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अमृत। अमृत में हमारे जो शहर हैं हम उनमें तब्दीली करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं नए तरीके से, उनकी प्लानिंग यानी अर्बन प्लानिंग का एक तरह से ये स्कीम है अमृत। तो उसमें छत्तीसगढ़ के जो शहर हैं उनको क्रेडिट रेटिंग स्कोर दिए जाएंगे अमृत मिशन के तहत। ये पहली बार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इसमें छत्तीसगढ़ के 9 शहर हैं जिनको रेटिंग दी जाएगी और एक तरह का कंपटीशन ये क्रिएट किया जाएगा आपस में, याद रखिए। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ये शहर हैं ये एक म्यूनिसिपल बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं। देखिए म्यूनिसिपल बॉन्ड का मतलब ये होता है, बॉन्ड क्या होते हैं, अगर सरकार के ऊपर उधार चढ़ जाता है तो वो बॉन्ड इशू करती है, यानी सरकार ये कहती है हमारा थोड़ा सा उधार ले लो आप, सरकार के उसमें निवेश करो बॉन्ड्स में और हम आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे जो हर 6 महीने में या हर 12 महीने में आपको पेएबल होगा। तो इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं सरकारी बॉन्ड्स के अंदर और उससे फिर सरकार अपना उधार चुका पाती है। तो एक बात समझने वाली ये कि जो 9 शहर हैं जिनको रेटिंग दी जाएगी उनमें से 4 शहर हैं रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा, जिनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग मिली है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग का मतलब ये है कि यही 4 शहर इन 9 में से म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे बाकी भी अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग के अंदर आ जाएंगे तो वो भी फिर कर पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि क्रेडिट रेटिंग स्कोर जो मिलेंगे छत्तीसगढ़ में वो 9 शहरों को मिलेंगे और 9 में से 4 शहर ऐसे होंगे जो म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। अब जो ये 9 शहर हैं ये कौन कौन से हैं, तो इनकी रेटिंग आप देख सकते हैं, इनकी रेटिंग यहाँ पे लिखी है और 4 शहर के नाम रट लीजिए, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा। तो रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा, और आप इनकी रेटिंग देख सकते हैं, BBB प्लस इसकी है, BBB और ये है BBB माइनस, और बाकी सारे नीचे रेटिंग वाले हैं, तो इनमें म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू नहीं कर पाएंगे, राजनंदगांव, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर। और इनको रेटिंग जो है ये दी किसने है, इकरा ने दी है और ब्रिक वर्क ने दी है, मतलब इन एजेंसी ने दी है यूनियन गवर्नमेंट के कहने पर। सबसे हाईएस्ट रेटिंग है AAA, अभी किसी भी छत्तीसगढ़ के शहर को AAA रेटिंग नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ जो है इसमें एक नया हाईवे बन रहा है, ये है रायपुर विजैग हाईवे, तो ये हमारा जो एक तरह का ईस्टर्न कॉरिडोर आप इसे बोल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि रायपुर से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे जो रोड बनेगा ये रोड रूट बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले रायपुर से विजयानाग्राम और वहाँ से विशाखापट्टनम, ये जो रोड निकलेगा ये कुरुड़ से नगरी तक जाएगा, सिहावा एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ और नबरंगपुर ऑफ उड़ीसा, और इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाएगा, याद रखिए। तो यानी कि 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में नबरंगपुर और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये रायपुर, पहले रोड देख लीजिए कैसे है, रायपुर से विजयानाग्राम से विशाखापट्टनम, ठीक है। अब इसमें जो रायपुर है ये छत्तीसगढ़ में है, विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और जो रोड निकलेगा ये कुरुड़ से नागरी सिहावा एरिया में छत्तीसगढ़ के और नबरंगपुर उड़ीसा में, और इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाएगा। और ये टोटल डिस्टेंस वगैरह कितना है, तो अभी जो डिस्टेंस है रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में जगदलपुर से होके जाता है जो बस्तर के अंदर है, लगभग 600 किलोमीटर, और अभी ये जो हो जाएगा 400 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर से छोटा हो जाएगा, ये तो आसान हो जाएगा, पहले 600 था अब हो जाएगा 400 किलोमीटर रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच में जो गैप है, वो जो डिस्टेंस है वो 164 किलोमीटर जो है जो नया रोड बनेगा वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और इसमें से 132 किलोमीटर जो है वो 2 लेन में होगा और जो रिमेनिंग 32 किलोमीटर है वो सिंगल लेन के अंदर होगा। और ग्रीन क्लियरेंस भी इसे दिया गया है, जो रोड बनेगा कुरुड़ से ये जंगल से होके भी गुजरता है, तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस की भी ज़रूरत थी और अब एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो PWD है उन्होंने टारगेट ये रखा है कि हम 28 रोड बनाएंगे 1526 किलोमीटर के मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में, और टोटल खर्चा इसमें आएगा 12,266 करोड़। छत्तीसगढ़ का जो डाक विभाग है यानी पोस्टल डिपार्टमेंट, उन्होंने लॉन्च करा है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। तो इसका पर्पस ये है कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर 42 पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जो इस ऐप को यूज कर पाएंगे, और इस ऐप का नाम क्या है, इसका नाम है पोस्टमैन मोबाइल ऐप। मैं रिपीट करता हूं, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है उसके लिए किया गया है, डिजिटल इंडिया। तो जो डाक डिपार्टमेंट है उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है पोस्टमैन मोबाइल ऐप। पोस्टमैन मोबाइल ऐप में 42 पोस्ट ऑफिस है छत्तीसगढ़ के जो इसको ऐप को यूज़ करेंगे, और पोस्टमैन मोबाइल ऐप जो है ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट की गई है, रायपुर,
दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़। मैं रिपीट करता हूँ, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़। जो पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, इसमें कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन किया जाएगा सारे पोस्ट ऑफिस का, जितने भी रूरल एरिया में छत्तीसगढ़ के, सबका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। और जो ये RICT प्रोग्राम है, RICT की फुल फॉर्म क्या है? रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी फुल फॉर्म याद रखिए सरकारी जो है, रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके तहत ये स्कीम चलाई जा रही है। इसमें सारे रूरल पोस्ट ऑफिस को कंप्यूटर दिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दिए जाएंगे, जैसे डिजिटल कैमरा दिया जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बारकोड, स्मार्ट कार्ड रीडर, सोलर पैनल इत्यादि। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये एक तरह का ये भी एक प्रोविजन है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी गई है, जिससे जो रूरल पॉपुलेशन है, खासकर जो गरीब लोग हैं, उनको एक तरह का ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके, और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसमें कई तरह की पॉलिसी हैं, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस है, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस है, एंडाउमेंट इंश्योरेंस है, एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट इंश्योरेंस है, और ये 15 साल के लिए है और 20 साल के लिए है। तो इसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को। अब ये है क्या? देखिए, एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है मल्होत्रा कमेटी। तो मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये स्टार्ट की गई थी, हालांकि अभी नहीं है, काफ़ी पुरानी है ये, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में काफ़ी इस पर काम चल रहा है। तो इस कमेटी ने ऑब्जर्व ये करा था कि लगभग 22% जो पॉपुलेशन है इंश्योरेबल, वो सिर्फ इंश्योर अपने आप को करवाती है, यानी जो लाइफ इंश्योरेंस करवाती है वो सिर्फ 22% पॉपुलेशन अपने आप को करवाती है, और इनमें जो लाइफ इंश्योरेंस फंड है वो सिर्फ 10% है हमारे ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग्स के। मैं रिपीट करता हूँ, जो लाइफ इंश्योरेंस फंड्स हैं वो सिर्फ 10% है ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग के। तो इसीलिए मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे फिर ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकें। अब ये इंश्योरेंस स्कीम कौन कौन सी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है याद रखना। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत कौन कौन सी इंश्योरेंस सुविधाएं आपको दी जा रही है? सबसे पहले है होल लाइफ इंश्योरेंस, मैंने आपको चार बताई हैं यहाँ पे। सबसे पहले होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट अश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस और एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट अश्योरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं होल लाइफ अश्योरेंस की, जिसको बोलते हैं ग्राम सुरक्षा। तो पहले नाम बता देता हूँ, ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष और ग्राम सुमंगल। अब इनमें क्या क्या फैसिलिटी है? देखिए, सबसे पहले ग्राम सुरक्षा, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट होगा सिर्फ वो देखते हैं। 19 साल से लेके और 55 साल तक आप ये ले सकते हो। मिनिमम जो एंट्री एज की वो 19 है और मैक्सिमम है 55। तो ये जो एज लिमिट होती है ये भी काफ़ी पूछी जाती है, जैसे कई बार पूछते हैं अटल पेंशन योजना में क्या एज है, तो अटल पेंशन योजना में 18 से 40 है। इस तरह से जरूर पूछते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। तो इसमें 19 साल है मिनिमम, 55 साल है मैक्सिमम, और इसका नाम है ग्राम सुरक्षा। इसमें जो मिनिमम सम अश्योर किया जाएगा वो है 10,000 और मैक्सिमम है 5,00,000, यानी जो पैसों की लिमिट है वो है 10,000 से लेके 5,00,000। और इसमें बहुत टेक्निकल आपको नहीं जाना है, यहाँ पे मेन मेन चीज़ें याद रखनी है आपको, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम मैक्सिमम आपको जो मनी की लिमिट है वो याद रखनी है। और ये है क्या बेसिकली? लाइफ इंश्योरेंस है, तो आप समझ के जाइए, जीवन बीमा एक तरह का। तो पैसा सरकार देगी जब आपकी डेथ हो जाएगी, उस पे उसके बाद आपको परिवार को दे दी जाएगी। दूसरा है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं ग्राम सुविधा। इसमें देखिए एज लिमिट वही है 19 से 55, और अमाउंट भी वही है 10,000 से 5,00,000। इसमें जो नॉमिनी है, जो भी मतलब नॉमिनी का मतलब ये होता है आपकी डेथ के बाद पैसा कौन लेगा, तो उसको जो पैसा है वो मिलेगा इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तीसरी है एंडाउमेंट अश्योरेंस, यानी ग्राम संतोष इसका नाम है। इसमें भी एज लिमिट वही है 19 से 55, और मिनिमम और मैक्सिमम भी वही है 10,000 से 5,00,000। और इसमें जो सम है वो आपको जो भी पॉलिसी होल्डर है उसे दिया जाएगा जब मैच्योरिटी हो जाएगी स्कीम की। मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसके बाद भुगतान किया जाता है, और लॉक इन पीरियड भी आप कह सकते हो, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। लॉक इन पीरियड जो होता है जिसमें आपको कंपलसरी जो अमाउंट है वो रखना होता है, और मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसमें आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये है ग्राम संतोष पॉलिसी, और 3 साल के लिए ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर तब आपको इस केस में बोनस मिलेगा। याद रखिए मिनिमम इसमें 3 इयर्स के कंप्लीशन आपको करना पड़ेगा। और चौथी है ग्राम सुमंगल। ग्राम सुमंगल में भी एज लिमिट और मनी की लिमिट वही है सेम, लेकिन इसमें कुछ और टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे ईयर्स में कुछ डिवाइड किया गया है। जो बेनिफिट है आपको वो इंटरवल पे मिलते रहेंगे, 6 साल 9 साल 12 साल और 15 साल। और शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए है मेनली, ये मनी बैक पॉलिसी है ये एक।
तो बस इतना याद रखना है आपको इसमें। एक और है जिसको बोलते हैं ग्राम प्रिय, ये 10 साल के लिए है, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस, और इसमें ये 19 से 45 के लिए है, याद रखिए 19 से 45, और 10,000 मिनिमम सम है और 5 लाख मैक्सिमम है। ये एक एंडाउमेंट स्कीम है जो 10 साल के लिए है। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए भी स्कीम है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी है, इसमें कोई ऐसे सम नहीं है, वो तो डिपेंड करता है आप कितना प्रीमियम भरते हैं उसके हिसाब से है। ये भी 3 साल इसमें आपको मतलब सरेंडर ऑफ पॉलिसी कम से कम 3 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे इसके अंदर भी, और इसमें अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सम और बोनस दोनों पे किए जाएंगे। अब जो अमृत मिशन है, मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ के जो 9 शहर हैं उनमें अमृत मिशन चल रहा है, जिनमें उनको रेटिंग दी जाएगी, तो अमृत मिशन जो है उसमें छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे आया है पूरे भारत में। उन्होंने अपने टारगेट अचीव करे हैं। छत्तीसगढ़ को 13 करोड़ रुपए का अवार्ड पिछले साल मिला था, एक बोनस के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे, और इस साल उन्हें 25 करोड़ रुपए का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को अचीवमेंट के लिए। दूसरे साल लगातार छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है अमृत मिशन के तहत, याद रखिए। तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पे है, अमृत मिशन के जो टारगेट हैं वो छत्तीसगढ़ ने अचीव करे हैं, और अमृत मिशन के तहत 9 जगह 9 शहर छत्तीसगढ़ के, उनको उनमें ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। अब इसमें जैसे पानी की सप्लाई, सीवरेज वगैरह, गार्डन, ग्रीन स्पॉट, ये सब बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को 91.37% मार्क्स मिले हैं अपने टारगेट अचीवमेंट में, यानी जितने भी टारगेट थे उन्होंने अचीव करे हैं 91.37%। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग की। छत्तीसगढ़ का जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसने वहाँ की जो स्टील प्लांट है, मिनी स्टील प्लांट्स, उनके लिए बिजली सस्ती कर दी है। पहले ये 6 रुपये पे करते थे पर यूनिट, अब ये 1.40 कम कर दी है, तो अभी इन्हें पे करना पड़ेगा 4.60। और ये क्यों किया है, ये इसके पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कारण है, और वो ये कि जो महाराष्ट्र है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे वहाँ की सरकार ने बिजली सस्ती कर दी थी, उन्होंने पैकेज दिया था महाराष्ट्र में जो विदर्भ के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्री, उनको। इस वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गई थी, यानी जो लागत है वो कम हो गई थी क्योंकि बिजली सस्ती मिल रही थी। तो छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज के सामने चैलेंज आ गया था कि उन्हें भी कॉस्ट प्रोडक्शन अपना कम करना है, लेकिन बिजली महंगी होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से छत्तीसगढ़ की जो स्टील इंडस्ट्री थी, मिनी स्टील इंडस्ट्री, वो सफर कर रही थी। इस वजह से छत्तीसगढ़ की सरकार को भी बिजली सस्ती करनी पड़ी स्टील प्लांट्स के लिए, जिससे वो कम्पीट कर पाए मार्केट में। तो छत्तीसगढ़ में ने बिजली में अब 1.40 की कटौती करी है, और अब 4.60 रुपीज़ पर यूनिट स्टील प्लांट्स को पे करने पड़ेंगे बिजली के लिए। छत्तीसगढ़ जो है, इसमें समझने वाली बात एक और है, स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। छत्तीसगढ़ जो है ये एक प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यानी ये उत्पादकता करता है स्टील की, और जितना भी स्टील छत्तीसगढ़ बनाता है उसका सिर्फ 10% यूज़ करता है, और 90% बाकी शहरों में, बाकी राज्यों में बेच देता है, भेज देता है। तो 10% सिर्फ यूज़ होता है स्टील जितना भी छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस होता है, यानी छत्तीसगढ़ निर्भर किस पे करता है, बेचने पे। और अगर छत्तीसगढ़ का स्टील इसलिए महंगा हो गया कि बिजली महंगी है, तो फिर बाकी राज्य जो हैं वो नहीं खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर 150 मिनी स्टील प्लांट हैं, जो टोटल 3,50,000 टन स्टील प्रोड्यूस करते हैं पर एनम, एक साल, हर साल में। और 185 रोलिंग मिल हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। टोटल जो पावर कंज्यूम होती है छत्तीसगढ़ में, वो 450 मेगावाट पावर है एक दिन में, जो 15% पावर है छत्तीसगढ़ की। यानी छत्तीसगढ़ में जितनी भी बिजली बनती है, जितनी भी बिजली है, उसका 15% स्टील प्लांट यूज़ करते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ बिजली में थोड़ी कटौती करेगा तो ज़रूर यहाँ की स्टील को फ़ायदा होगा, क्योंकि 450 मेगावाट जो एनर्जी है वो हर रोज़ स्टील प्लांट यूज़ करते हैं। तेलंगाना की जो सरकार है, उन्होंने छत्तीसगढ़ से बिजली लेनी शुरू कर दी है। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद रहा है, तो ये है तेलंगाना, पूरा कमर्शियल लेवल पे। इसके लिए इन्होंने एक वारधा दिचपल्ली निज़ामाबाद 765 किलो वोल्टेज डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के तहत ये बिजली उठाएंगे छत्तीसगढ़ से, 700 मेगावाट पावर उठाएंगे छत्तीसगढ़ से। और जो लाइन है वो है वारधा, वारधा महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र से होके जाती है निज़ामाबाद, इस लाइन से 765 किलो वोल्टेज की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है। ये बेसिकली एक लिंक लाइन है नॉर्दर्न और सदर्न ग्रिड के बीच में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की। ये कमीशन की गई थी मार्च 2016 में। इससे छत्तीसगढ़ तेलंगाना को बिजली सप्लाई करेगा, इस लाइन से, नाम याद रख लीजिए, वारदा डिचपल्ली। दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तेलंगाना की, जिन्होंने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन करा है छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग के साथ, और टोटल 1,000 मेगावाट पावर सप्लाई ये करेंगे। एक बार जो मारवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में जंजीर चंपा डिस्ट्रिक्ट में, वो स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद 1,000 मेगावाट पावर छत्तीसगढ़ देगा तेलंगाना को।
केंद्र सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में जो स्कूलों के बच्चे हैं उन्हें टैबलेट पीसी वगैरह देगी। तो ये क्या है, देखिए जो टैबलेट वगैरह हैं ये 10,000 रुपये के अंदर अंदर इनकी कॉस्ट होगी। जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है एचआरडी के अंदर आता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये टैबलेट पीसी बांटेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर स्कूलों में, जिससे जो टीचर हैं वो अपना सब कुछ उसमें स्टोर कर सकें और उनकी सारी डिटेल एक सेंट्रल सर्वर पे आ सके। यानी जो टीचर अपना पूरा रूटीन डिटेल है वो सारे इस टैबलेट के अंदर स्टोर कर सकें। इससे ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूलों में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा और हर टैबलेट 10,000 रुपये से कम प्राइस का होगा। और ये जो स्कीम है ये ऐसी आशंका है सितंबर 2017 तक ये पूरी हो जाएगी। राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ये सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा मिला उदय स्कीम से। उदय स्कीम है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, यानी जो सरकारी हमारी बिजली वितरण कंपनियां हैं उन पे जो घाटा है वो सेंटर और स्टेट शेयर करेंगे उदय स्कीम के तहत। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो हुआ राजस्थान को, हरियाणा को और छत्तीसगढ़ को। तो ये फ़ायदा कैसे हुआ, राजस्थान सरकार को जो सेविंग्स हुई हैं वो हुई हैं 4,697 करोड़ की, और हरियाणा को हुई है 766 करोड़ की, और फिर छत्तीसगढ़ को 526 करोड़ की। तो बस आप ये याद रख लीजिए उदय स्कीम, और हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने परमिशन दे दी है अपनी 12 स्टेट्स को। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने 12 स्टेट को परमिशन दी है, जिनमें छत्तीसगढ़ भी एक है। ये 12 स्टेट हैं झारखंड, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, बिहार, जेके, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये बॉन्ड इशू कर सकते हैं लगभग 1,95,000 करोड़ के, और टोटल जो स्टेट हैं वो बॉन्ड ऑलरेडी इशू कर चुकी हैं 1.83 लाख करोड़ उदय स्कीम के तहत। ये बॉन्ड कैसे इशू होते हैं, जो बिजली की वितरण कंपनियां उन पर डेट है उस डेट को पूरा करने के लिए मैंने बताया था सरकार बॉन्ड इशू करती है और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये परमिशन लेकिन सारे स्टेट्स को नहीं है, सिर्फ 12 स्टेट को है। चलिए, छत्तीसगढ़ जो है इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया योगा में। छत्तीसगढ़ ने ये काफ़ी यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आप जानते हैं 21 जून को होता है योगा डे, और तो छत्तीसगढ़ में ये तीसरा योगा दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसमें 50 लाख लोगों ने योगा करा एक ही साथ 11,000 जगह पे, टोटल 11,000 प्लेसेस पे 50 लाख लोगों ने योगा करा, और इसके लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है। ये छत्तीसगढ़ का एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जो रमन सिंह है उन्होंने भी 600 स्कूल के बच्चों के साथ योगा किया था स्टेट कैपिटल के अंदर, इंडोर स्टेडियम के अंदर रायपुर में। और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि 50 लाख लोगों ने योगा कराया 11,000 प्लेसेस पे एक साथ। इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार किया गया है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उन्होंने ये डिसाइड कराया कि वो अपने जितने भी ब्रांचेज हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के यानी DCCB के, उनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ विलय कर देगा, उनको मर्ज कर देगा। यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के जो ब्रांच हैं उनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ मर्ज कर देगा, उनका विलय कर देगा। और इससे होगा क्या, इससे उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे वो ज़्यादा फार्मर्स को लोन दे पाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में चावल की खेती जो होती है उसके लिए लोन बहुत ज़रूरी है, और ये अगर फार्मर्स को ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो खासकर जो चावल के धान उगाते हैं किसान उनके लिए ज़रूरी होगा। और 90% जो लोन है वो रूरल एरिया के फार्मर को दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं वो इंटरनेट और मोबाइल बैंक की सुविधा भी अपने कस्टमर्स को देना शुरू कर रहे हैं, और ATM और मिनी ATM का नेटवर्क भी पूरे राज्य में बिछाया जा रहा है, खासकर जो इंटीरियर एरियाज है वहाँ पे। और ये काफ़ी बड़ा बैंकिंग का रिफॉर्म हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर, मॉडर्न बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कि जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो फॉरेस्टेड एरिया है उसको, ये 41 हेक्टेयर का एरिया है जंगली एरिया, इसे अनिल माधव दवे, ये हमारे पर्यावरण मंत्री थे, इनका निधन हो गया था, उनके नाम पे रखा जाएगा। अनिल माधव दवे जो थे, ये 41 हेक्टेयर का जंगल वाला एरिया है दुर्ग में, इसका नाम रखा जाएगा अनिल माधव दवे, पर्यावरण मंत्री के नाम पे, जिनका स्वर्गवास हो गया था, फिर एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट है मंत्रालय वो चला गया था डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। ज़्यादातर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे किसान लोन ले लेते हैं वापस नहीं करते, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 71% लोन वापस आ गए हैं, यानी छत्तीसगढ़ के किसानों ने जो लोन लिए थे 71% रिटर्न रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जो टोटल लोन लिया था छत्तीसगढ़ के किसानों ने वो है 4,474 करोड़। और छत्तीसगढ़ की सरकार खारिफ क्रॉप्स के लिए, खारिफ मतलब जैसे चावल वगैरह, ये खारिफ क्रॉप होती है जो समर्स के अंदर उगती हैं, तो इसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रही है किसानों को। छत्तीसगढ़ में 10 लाख से ज़्यादा फार्मर्स ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया था, और ये देखा गया कि मतलब लगभग एक साल का जो पीरियड था उसमें
4,474 में से 3,168 करोड़ वापस आ गया है, यानी 70.81 यानी 71% वापस आ गया है। और टोटल लोन जो खारिफ 2017 में दिया गया वो था 3200 करोड़ रुपए। ये इंटरेस्ट फ्री लोन था जो फार्मर्स को दिया गया था, खासकर पैडी की क्रॉप्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि जो छत्तीसगढ़ के फार्मर हैं वो ज़्यादातर चावल ही उगाते हैं, कैश क्रॉप्स वो नहीं उगाते हैं। तो कैश क्रॉप नहीं उगाते हैं, उसमें रिस्क भी काफ़ी रहता है, तो वो सेफ खेलते हैं, ज़्यादातर वो पैडी उगाते हैं जो कि खारिफ क्रॉप है। छत्तीसगढ़ ने टारगेट कितना रखा, छत्तीसगढ़ ने टारगेट रखा है 82 लाख टन चावल उगना चाहिए 2016 खारिफ सीजन के अंदर। और उन्होंने पहले 8.04 मिलियन टन चावल उगाया था और टॉप 3 राइस कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स में था छत्तीसगढ़ पिछले साल। पिछले साल छत्तीसगढ़ में जो चावल उगा था वो था 8.02, इस बार टारगेट रखा है 8.2 मिलियन टन। और भारत के टॉप 3 राज्यों में था छत्तीसगढ़ जिन्होंने चावल उगाया था। छत्तीसगढ़ जो है उसने पूरे भारत में नंबर 1 टॉप किया है उन राज्यों में जिन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। छत्तीसगढ़ ने पिछले दो साल में 43 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं फार्मर्स को। और यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, उन्होंने ये जानकारी दी। तो पहले चरण में दिए थे लगभग, जो टारगेट था इनका वो था 38,90,709 सॉइल हेल्थ कार्ड का पहले चरण में 2015 से 2017 तक, लेकिन इन्होंने उसके से भी ज़्यादा दिए हैं, 43,37,595 सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये हाईएस्ट है पूरे भारत में, याद रखिए पूरे भारत में हाईएस्ट है ये। तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए इनको सराहना मिली और ये नंबर 1 इसके अंदर आए हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो साउथ कोरिया और जापान, इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग, एक डेलीगेशन भेजा साउथ कोरिया और जापान में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। ये डेलीगेशन है, रमन सिंह भी इसमें गए थे खुद और इसमें कई सीनियर ऑफिशियल भी गए थे। यानी छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट चाह रहा है दो जगह से, साउथ कोरिया और जापान। तो इनकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी सियोल के अंदर और फिर उसके बाद जापान के अंदर, जिससे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स उन्होंने वहाँ दिए जिससे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा सके। तो याद रखिए दोनों कंट्री साउथ कोरिया और जापान। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ की वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रही है आईटी में, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इसके अलावा स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉप कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टॉप्ड इन्वेस्टमेंट इन द कोर सेक्टर इंक्लूडिंग स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम। अभी इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके अलावा अगर हम पिछले साल की बात करें तो जो रमन सिंह है वो चाइना गए थे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, हाई लेवल मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये क्लेम किया था कि 6,600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें चाइना ने छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को एक हांगकांग जिन युआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिमिटेड से 1 बिलियन यानी 6,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला था। तो ये आपको याद रखना है, ये इन्वेस्टमेंट मिला था $1 बिलियन का हांगकांग जिन युआन इंटरनेशनल डेवलपमेंट से। ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट मिला था ये एक छत्तीसगढ़ में सीमेंट प्लांट बनाने के लिए मिला था। छत्तीसगढ़ के 14,000 गांव हैं जिन्होंने अपने आप को खुले में शौच मुक्त डिक्लेयर कर दिया है, खुले में शौच मुक्त। तो छत्तीसगढ़ के 14,000 गांव ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए हैं। और याद रखिए भारत में अभी तक 5 ऐसे राज्य हैं जो ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए हैं। सबसे पहला राज्य बना था सिक्किम, फिर था हिमाचल प्रदेश, फिर था केरल, फिर था उत्तराखंड और फिर था हरियाणा। ये 5 अभी हुए हैं ओपन डिफिकेशन फ्री। और अभी मुंबई हुआ है लेकिन वो राज्य नहीं है, वो तो शहर है। तो 5 राज्य ही हुए हैं, लेकिन याद रखिए कि छत्तीसगढ़ का टारगेट है अक्टूबर 2018 तक ओपन डिफिकेशन फ्री होना चाहता है। और अभी 14,064 गांव हो चुके हैं ओपन डिफिकेशन फ्री। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे 27 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से 5 ओपन डिफिकेशन फ्री अभी हो चुके हैं। कौन कौन से? धमतारी, मुंगेली, राजनंदगांव, सरगुजा और दुर्ग, ये 5 हैं जो ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। 26 लाख टॉयलेट छत्तीसगढ़ में अभी तक बन चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। पहले टारगेट इनका था ओपन डिफिकेशन फ्री का अक्टूबर 2, 2019। ये पूरे इंडिया का ही है ओपन डिफिकेशन फ्री का टारगेट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जी ने ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अक्टूबर 2, 2019 को जब होगा तो हम उन्हें एक स्वच्छ भारत देंगे। और लेकिन जो डॉक्टर रमन सिंह है उन्होंने ये टारगेट 1 साल पहले कर दिया था, उन्होंने कहा हम 2018 में ही ये अचीव कर लेंगे। तो इन्होंने जो टारगेट रखा है वो रखा है 2 अक्टूबर 2018। छत्तीसगढ़ जो है
उन्होंने जो टारगेट रखा है इस बार चावल की खेती का वो 2% बढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया था पिछले साल 8.02 प्रोड्यूस हुआ था मिलियन टन और इस बार टारगेट रखा है 8.2%, यानी उन्होंने सिर्फ टारगेट 2% इस बार बढ़ाया है। खारिफ क्रॉप है, छत्तीसगढ़ जो है टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में है चावल के पूरे इंडिया के अंदर। छत्तीसगढ़ भारत में तीसरे नंबर पर है चावल उगाने में, और पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। पिछले साल की अगर हम बात करें कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सबसे ज़्यादा चावल किसने दिया, तो 11 मिलियन टन दिया पंजाब ने, फिर 3.5 मिलियन टन दिया हरियाणा ने, और 3.03 मिलियन टन दिया छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ जो है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक उसने ग्लोबल अलायंस का वो हिस्सा बना है। ग्लोबल अलायंस, इसका नाम है अंडर 2 कोअलिशन। इसमें कैलिफोर्निया है अमेरिका के, और भी दूसरे शहर हैं पूरी दुनिया के, इसमें छत्तीसगढ़ भी है। इन्होंने टारगेट ये रखा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे और 2°C टेम्परेचर हम कम करेंगे। 2°C से टेम्परेचर का राइज कम रखना है हमें, ये इनका टारगेट है, और यही टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट का। ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है, इतना आसान नहीं होगा अचीव करना कि हमें हमारा जो टेम्परेचर राइज है वो 2°C रोकना है इस सेंचुरी के एंड तक। तो इसमें कैलिफोर्निया और दूसरे शहर हैं, मजबूत शहर हैं, और भारत की तरफ से ये याद रखिए छत्तीसगढ़ सिर्फ दूसरा राज्य बना है इस कॉलिशन का हिस्सा बनने वाला, जिसको बोलते हैं अंडर 2 कॉलिशन। पहला कौन सा था? पहला था तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ बना है सिर्फ दूसरा जिसने इस ग्लोबल अलायंस को ज्वाइन किया है। और ये अंडर 2 MOU है क्या? अंडर 2 MOU के अंदर लगभग 176 ऐसे जुरिस्डिक्शंस हैं जिन्होंने इसको साइन किया है, और 39% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इसके मेंबर है। 39% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, इसमें 12 फाउंडिंग जुरिस्डिक्शन थे। 2015 में ये स्टार्ट हुआ था सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के अंदर। ये बेसिकली कंट्री लेवल पे नहीं होता, ये कंट्री के अंदर जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट्स हैं, वो साइन करते हैं इसे। तो यानी कि सब नेशनल गवर्नमेंट इसे ज्वाइन करती हैं और टोटल मिलके सब एफर्ट करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैस होती हैं जो वातावरण को गर्म करती हैं, जैसे मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होती हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इनको कम किया जाए। तो बस आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा राज्य बना है अंडर 2 कोलिशन को ज्वाइन करने वाला तेलंगाना के बाद। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक कंपनी है जिसका नाम है स्मार्ट्रॉन, इसके साथ अनुबंध किया है। ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन वगैरह में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। और इसके लिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिसका नाम है ट्रॉनेक्स। तो ट्रॉनेक्स प्लेटफॉर्म को छत्तीसगढ़ के अंदर यूज़ करेगी स्मार्ट्रॉन कंपनी। CRADEI यानी क्रेडेई ने अपना पहला महिला का मेसोंस बैच छत्तीसगढ़ के अंदर लॉन्च करा है। क्रेडेई किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और मेसोन बैच का मतलब होता है जो कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, यानी मकान बनाने संबंधी, उसका पहला बैच। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए ही फॉर शी कैंपेन है। इसको प्रमोट करने के लिए क्रेडेई ने अपना पहला बैच छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉन्च करा है, और अब ये भारत के दूसरे शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा। इससे महिलाओं को इक्वालिटी मिलेगी, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर गैप कम होगा भारत के अंदर, और महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा। जो कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इसका असेसमेंट करेगा और फिर सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। छत्तीसगढ़ की टीम, उसने नेपाल में जो योगा की स्पोर्ट्स मीट हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिए छत्तीसगढ़ प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीता है सीनियर बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी के अंदर। ये हुए थे पहले साउथ एशियन इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो काठमांडू नेपाल के अंदर हुई थी, और इसमें गोल्ड मेडल जीता है छत्तीसगढ़ ने। एक खिलाड़ी का नाम और याद रखिए, सपना आदिल, इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और टीम इवेंट में छत्तीसगढ़ ने गोल्ड मेडल जीता है। इसमें कई देशों के साउथ एशिया से और दूसरे कंट्रीज से खिलाड़ी आए थे, जैसे नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि, और टोटल जो इंडियन टीम थी उसमें 70 मेंबर गए थे इसमें रिप्रेजेंट करने। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो 16 तरह के कमर्शियल टैक्स चेक पोस्ट उनको ख़त्म कर रही है। 16 कमर्शियल टैक्स चेक पोस्ट को, जो GST है उसके बाद जो चेक पोस्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जिससे जो ट्रांसपोर्ट है वो स्मूद हो सके। तो इसीलिए जो सरकार है वो 16 चेक पोस्ट ख़त्म कर रही है GST के बाद, और इससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि 100 करोड़ रुपए इन चेक पोस्ट से वो साल में कमा रही थी।
ये एक जो चेक पोस्ट है ये लोकेटेड है इन जगह पे, राजनंदगांव, कबीर धाम, महसामंद, बिलासपुर, बलरामपुर, कोरिया, रायगढ़, जसपुर, सुकमा और बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारे चेक पोस्ट हैं। बेसिकली सरकार एक बैरियर फ्री स्टेट बनाना चाहती है छत्तीसगढ़ को, जहां पे कोई बैरियर ना हो। पावर ग्रिड जो है उन्होंने अपना ट्रांसमिशन सिस्टम, उसका ट्रायल रन शुरू कर दिया है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये एक इनके 1500 मेगावाट हाई वोल्टेज की डायरेक्ट करंट लाइन होगी चंपा से कुरुक्षेत्र ट्रांसमिशन सिस्टम। ये छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने इसका ट्रायल रन शुरू किया है। 800 किलो वोल्टेज का एक ये जो लाइन बन रहा है, इसका पार्ट है ये 3000 MWWR NR HVDC इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम। ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट के लिए किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो पोल 1 HVDC टर्मिनल से स्टार्ट होगा, चंपा जो वेस्टर्न रीजन में है और कुरुक्षेत्र जो नॉर्दर्न रीजन में है। टोटल ये 2576 सर्किट किलोमीटर चंपा से कुरुक्षेत्र HVDC ट्रांसमिशन लाइन है जो कमीशन की गई है। टोटल खर्चा इसमें आया है 6300 करोड़। जो इंटर रीजनल कैपेसिटी है नॉर्थ रीजन की वेस्ट रीजन के साथ, वो इससे फैसिलिटेट होगी। कहने का मतलब ये है, जो नॉर्थ इंडिया है वो वेस्टर्न इंडिया से इससे कनेक्ट हो पाएगा, ज़्यादा अच्छा जो बिजली है उसका वितरण हो पाएगा, तो उससे इसमें फायदा मिलेगा। और जो इसका पोल 2 है वो 1500 मेगावाट कैपेसिटी का है। मैंने आपको पोल 1 बताया था, यहाँ पे ये पोल 1 है। कमर्शियल इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। ये चंपा से कुरुक्षेत्र लाइन है लगभग 2576 किलोमीटर की, 6300 करोड़ की लागत से। और जो पोल 2 है वो 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये प्रोजेक्ट जो है इसके थ्रू बिजली जाएगी कई प्रोजेक्ट्स में, रायगढ़, चंपा, रायपुर इत्यादि में। छत्तीसगढ़ जो है वो पूरे भारत में चौथे नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये इंडेक्स दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP ने 2016 के लिए। इसमें छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में स्थान है नंबर 4। और छत्तीसगढ़ ने 340 रिफॉर्म सरकार ने कहे हैं जो आपको लेके आने हैं बिजनेस को आसान बनाने के लिए, उसमें से 327 को लागू किया है और इसका स्कोर है छत्तीसगढ़ का 97.32%। अब आपसे एक दो चीजें और याद रखनी है आपको इसमें, कि जो ऑनलाइन सिस्टम है छत्तीसगढ़ में उसको बेस्ट बोला गया है पूरे भारत में। यानी अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए जो आपको परमिट चाहिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन सिस्टम जो है ये छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में बेस्ट डिक्लेयर किया गया है। छत्तीसगढ़ जो है वो नए निवेश अट्रैक्ट कर रहा है ऑयल में और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर। तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उन्होंने MOU साइन करा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ। ये एक पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो बनाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 324 करोड़ रुपए। एक और MOU इन्होंने साइन करा है LED जो बल्ब है, LED लाइट, उन्हें बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर में। इसमें 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। ये इन्वेस्टमेंट करेगा मिलेनियम इंफ्राटेक। जो ये POL डिपो है ये बनाया जाएगा नया बरादवर रेलवे स्टेशन के पास जंजीर चंपा डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रोजेक्ट 115 एकड़ जमीन पे बनाया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो ऑलरेडी 100 एकड़ की जमीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए अलॉट कर चुकी है, और जिससे ये प्रोजेक्ट जल्दी से स्टार्ट हो सके। एक और बात, जो मैंने आपको LED प्लांट बताया मिलेनियम इंफ्राटेक का, वो बनेगा EMC यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर के अंदर। इसके लिए 1 एकड़ जो जमीन है वो इसको दी गई है काम शुरू करने के लिए। JSPL जो है इसका, यानी जिंदल स्टील की बात हो रही है JSPL, इसका 1000 मेगावाट का छत्तीसगढ़ पावर प्लांट जो है वो खरीद रही है JSW एनर्जी। मैं रिपीट करता हूँ, जिंदल स्टील अपना 1000 मेगावाट का प्लांट बेच रहा है JSW एनर्जी नाम की कंपनी को। और पहले ये प्लान बंद हो गया था लेकिन अब ये दोबारा खरीद रहे हैं, तो फाइनल अप्रूवल मिल गया इन्हें। एक्चुअली बात ये है कि जो जिंदल स्टील है ये इस पर कर्ज बहुत ज़्यादा है इस वक्त, 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जिंदल स्टील के ऊपर। तो बुरी हालत है जिंदल स्टील की इस वक्त। तो ये अपना एक पावर प्लांट बेच रहे हैं जिससे इनका जो उधार है वो थोड़ा सा कम हो सके। तो बस आपको इतना याद रखना है। और जो ये JSW एनर्जी है, ये सज्जन जिंदल की अनुवाई में है ये JSW एनर्जी। इन्होंने अपना एक इनिशियली 373 करोड़ रुपए का अपने छोटे भाई की कंपनी नवीन जिंदल की, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी JSPL को दिया है। और अब ये फाइनली शेयर होल्डर्स पर अप्रूवल भी मिल गया है,
फाइनली, और अब ये इन पे जो कर्ज है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा। टोटल जो कर्ज है वो 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इनके ऊपर। तो देखते हैं अभी ये कैसे डील होगी आगे। चलिए, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उन्होंने एक पैनल बनाया है जिससे वो 11 लोग हैं इस पैनल में, जिससे वो दूसरे राज्यों का एक्साइज पॉलिसी उसको स्टडी कर सके। यानी अशोक अग्रवाल कमेटी बनाई है, 11 मेंबर कमेटी है, इसके हेड हैं अशोक अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ में। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ ये स्टडी करना चाहता है कि जो दूसरे राज्य हैं उनमें अगर शराबबंदी कर दी जाए तो उससे वहाँ के टैक्स पे कैसे फ़र्क पड़ता है। तो शराबबंदी किस तरह से करी है और किस तरह से सुपरवाइज हो रही है और उसमें टैक्स वगैरह किस तरह से उन पे फ़र्क पड़ता है, इस ये छत्तीसगढ़ स्टडी करना चाहता है। और जो पैनल मेंबर हैं वो गुजरात और बिहार वगैरह जाएंगे जहाँ पे कंप्लीट शराबबंदी है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और झारखंड जाएंगे जहाँ पे सरकारी सिर्फ जो दुकानें हैं वो शराब बेच सकती हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे छत्तीसगढ़ की सरकार को। और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है उन्होंने एक बिल पास कराया अभी अभी जिससे जो शराब है वो सिर्फ सरकारी दुकानें बेच सकती हैं, गवर्नमेंट आउटलेट जो है वो बेच सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2017 यस विधानसभा ने वहाँ की पास कर दिया है। इसमें जो यस में वोटिंग हुई वो ही 49 और नो में हुई 33। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हाईवे हैं उनमें 500 मीटर की दूरी तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। हाईवेज के ऊपर, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर कोई भी शराब नहीं होगी, और इतना ही नहीं 500 मीटर की दूरी पर भी कोई नहीं होगी। तो इसमें छत्तीसगढ़ में 416 शराब की दुकानें हैं जो अफेक्ट होंगी इस डिसीजन से, और 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन होता था इन शराब की 416 दुकानों से। तो अब सरकार को एक तरह से 2000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस होगा छत्तीसगढ़ की सरकार को इस डिसीजन से। उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने अनाउंसमेंट मुंगेर में करी, बिहार में उन्होंने ये अनाउंस कराया कि छत्तीसगढ़ में हर उस गाँव में पहले शराबबंदी होगी जिसकी जनसंख्या 3000 से ज़्यादा है। तो ये नंबर याद रखिए, छत्तीसगढ़ के हर गाँव में जिसकी जनसंख्या 3000 से ज़्यादा है उसमें शराबबंदी सबसे पहले होगी। छत्तीसगढ़ का एक रिमोट ट्राइबल विलेज है जिसे रोड से जोड़ दिया गया है, तो इसका नाम है जगरगुंडा विलेज। जगरगुंडा विलेज को ये नक्सल प्रभावित है, काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित है साउथ छत्तीसगढ़ में ये गांव, इसे अब रोड से जोड़ दिया गया है और इसे 3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया गया है, डोरनापल जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में है, अरनपुर दंतेवाड़ा और बसागुड़ा बीजापुर में, अलग अलग रूट से। अब इसके बारे में कुछ और, ये वैसे सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा गांव है जगरगुंडा, ये लगभग 450 किलोमीटर दूर है रायपुर से, और ये एक ट्रेड हब है लोकल आदिवासी समुदाय का, ट्राइबल्स का। ये डोरनापल के अंदर एक रेस्टिव फॉरेस्ट है उसमें लाई करता है, सुकमा कोंटा रोड पे, और जगदलपुर और विजयवाड़ा का NH-30 उससे इसको कनेक्ट कर दिया गया है। एक और बात, इसमें डोरनापल से जो जगरगुंडा है 58 किलोमीटर जो रोड बन रहे हैं, 3 रोड बन रहे हैं, डोरनापल से जगरगुंडा 58 किलोमीटर, अरनपुर से जगरगुंडा 30 किलोमीटर और बसागुड़ा से जगरगुंडा 49 किलोमीटर। 12 गांव की ग्राम पंचायत है जो डोरनापल से जगरगुंडा रूट पे आती है, जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, आश्रम स्कूल वगैरह हैं, और 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो ये रोड वगैरह बनने से यहाँ पे जो एजुकेशन है वो काफ़ी पीसफुल होने के चांस हैं। तो बस आप नाम याद रखिए इसका, जगरगुंडा विलेज इन सुकमा। छत्तीसगढ़ ने ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पैनल बनाए हैं, क्योंकि कई सारे सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे, मानवाधिकारों का हनन हो रहा था बस्तर के अंदर। तो इसके लिए इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे प्रोटेक्शन पैनल बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले जो पैनल होंगे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेकमेंडेशंस जो हैं उनको देखेंगे, कंप्लेंट्स को रिसीव करेंगे और रेकमेंडेशन देंगे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, याद रखिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई पैनल किसी कंप्लेंट को सॉल्व करने में फेल हो जाता है तो फिर वो स्टेट लेवल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी के पास जाएगा, याद रखिए। और जो स्टेट लेवल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी है उसका चेयरमैन होगा सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। 31वां फेडरेशन कप हुआ बास्केटबॉल का, और इसमें जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे, पिछली बार चैंपियन वो थे ONGC देहरादून, इन्होंने अपनी ट्रॉफी रिटेन करी है 3री बार लगातार, और इन्होंने हराया चेन्नई को मेंस कैटेगरी के अंदर, ये लास्ट ईयर के रनर्स थे IOB चेन्नई। और वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ चैंपियन बना है, इन्होंने सदर्न रेलवेज को हराया है 77-67 के स्कोर से।
तो आप ये याद रखिए कि वुमेन्स कैटेगरी में 31st फेडरेशन कप बास्केटबॉल में इस बार चैंपियन बना है छत्तीसगढ़, इसने हराया फाइनल में सदर्न रेलवेज को। एक ऐप लॉन्च करी है मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जिसका नाम है मोर खीसा। मोर खीसा ऐप जो है ये डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए, कैशलेस बनाने के लिए है इकोनॉमी को, और इसमें यह भी बताया जाएगा कि हम कैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम इसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी, बेसिकली हम ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रदान की है। ऐप का नाम है मोर खीसा। एक और ऐप लॉन्च करी है मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, वो इन्हीं के नाम पे है, इसका नाम है रमन ऐप। रमन ऐप के अंदर मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कौन सी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी अपडेट है, मुख्यमंत्री कहाँ हैं, कौन सी मीटिंग अटेंड करेंगे, सब कुछ इस ऐप के अंदर होगा। तो जो एक्टर हैं अनुपम खेर, उन्होंने लॉन्च करी ये ऐप नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में। इसका नाम है रमन ऐप, ये देख सकते हैं आप रमन ऐप यहाँ पे। इसमें जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं मन की बात, उसी तरह रमन सिंह जो है उनका भी प्रोग्राम आता है रेडियो पे जिसका नाम है रमन के गोद। तो इसमें उसकी वीडियो, फोटोग्राफ और रमन के गोद जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने क्या क्या बोला, तो ये सब भी इस ऐप पे उपलब्ध होगा। ऐप का नाम है रमन ऐप। एक योजना शुरू करी हुई है मुख्यमंत्री ने जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2017। इस स्कीम में जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी अगर वो अपना बिजनेस खुद का शुरू करना चाहते हैं तो। इसमें 25 लाख रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ये सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोमोट करेगा। इसमें जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, उनका बिजनेस प्लान वगैरह पहले देखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सरकार की लोन की सहायता से। एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 35 साल और कम से कम 8th पास आप होने चाहिए, और आपने सरकार के द्वारा किसी और चलाई हुई स्कीम का बेनिफिट ना उठाया हो इस दिशा में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिए। और आपकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके घर की हाउस होल्ड इनकम, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन देगी अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर आप कोई सर्विस बिजनेस लगाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन देगी, और अगर आप कोई छोटा बिजनेस लगाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कुछ और योजना है जैसे सुचिता योजना, ये बेसिकली जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं जैसे विस्पर वगैरह, स्टे फ्री, तो जागरूकता फैलाने के लिए जो लड़कियां हैं उन्हें स्कूल्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन होगी हर सरकारी स्कूल में लगाई जाएगी, जिससे जो यंग गर्ल्स हैं उनको पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन कर सकें। और छत्तीसगढ़ जो है उसमें पूरे भारत में केरल के बाद दूसरा सबसे अच्छा लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है। तो इसमें अब ये नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो लोग हैं उन्हें फीमेल फिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या के बारे में और सैनिटरी हाइजीन के बारे में ट्रेन किया जाए। अब इसमें 2000 स्कूल हैं लगभग जिनमें ये वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि कई बार लड़कियां सबके सामने नैपकिन वगैरह लेने से कतराती हैं, तो जो ये वेंडिंग मशीन है ये कई जगह टॉयलेट्स के अंदर भी लगाई जाएंगी डिस्पोजल के लिए, जिससे बिना शर्म के जो लड़कियां हैं वो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर सकें, और 2000 स्कूल्स के अंदर ये पूरे राज्य में लगाई जाएंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये नैपकिन यूज़ करने के बाद डिस्पोजल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें ब्लड होता है तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, इसीलिए इको फ्रेंडली इंसिनरेटर भी लगाए जाएंगे। इको फ्रेंडली इंसिनरेटर का मतलब होता है जहाँ पे ये जो नैपकिन है उन्हें जला दिया जाएगा इस तरीके से कि वो वातावरण को नुकसान भी ना हो। स्टार्टिंग में 7200 नैपकिन अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद सिर्फ 2 रुपये पर पीस, तो काफ़ी ज़्यादा ये सस्ते अवेलेबल करवाए जाएंगे और गर्ल्स वॉशरूम के अंदर लगाए जाएंगे। तो योजना का नाम है सुचिता योजना। इसके अलावा क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी जिसमें ट्रेनर आएंगे और बच्चों को हाइजीन वगैरह की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताएंगे। एक और योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक अन्न सहायता योजना, यानी कि जो मजदूर हैं उनके लिए फ्री लंच मिलेगा। ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई थी स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे होता है, और ये 12 जनवरी को होता है जिसे हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं, और इसको स्टार्ट करा एग्रीकल्चर मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल ने। एक और फेस्टिवल भी था, छेर छेरा फेस्टिवल और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। अब ये याद कैसे रखें, देखिए विवेकानंद जो शब्द है इसके अंदर 11 वर्ड होते हैं, 11 जो है अल्फ़ाबेट हैं, आप काउंट कर सकते हैं, तो इसमें एक और जोड़ दीजिए तो ये हो गया 12। इस तरह से अपने आप कुछ भी
निमोनिक बना सकते हैं याद करने के लिए, 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, तो इसमें जो मजदूर है उन्हें फ्री लंच प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये किस तरह से किया जाएगा, तो ये बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनको कवर करेगा, खासकर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर है, जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में मजदूर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जो दिहाड़ी रोज की उसके हिसाब से कमा रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लंच प्रोवाइड किया जाएगा। एक और योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को हाउसिंग फॉर ऑल भी बोलते हैं। इसमें पूरे भारत में 6 करोड़ घर बनाए जाएंगे, 4 करोड़ रूरल एरिया में, 2 करोड़ अर्बन एरिया में 2022 तक। तो इसमें छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, दो हैं ये, अर्बन और ग्रामीण, ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ 2 लाख घर बनाएगा, याद रखिए 2017 के खत्म होने तक जो टारगेट रखा है वो है 2 लाख घर का, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उन्होंने बजट प्रस्तुत करा इस बार, छत्तीसगढ़ का जो बजट है यहाँ की विधानसभा में, तो बजट पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और बजट था टोटल 76,000 करोड़ रुपए का। जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है जो आने वाले वित्तीय वर्ष, यानी अभी जो चल रहा है वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च 2018 को खत्म होगा, उसमें एस्टिमेट किया गया है छत्तीसगढ़ का जीडीपी, जिसे बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2,77,000 करोड़, और जो फिस्कल डेफिसिट है उससे ये कंप्यूट किया गया है, याद रखिए ये 5% ज़्यादा है जो रिवाइज एस्टिमेट थे पिछले वित्तीय वर्ष के लिए। टोटल जो खर्चा होगा वो होगा, जो ये साल चल रहा है इसमें 76,000 करोड़, ये 7.6% हाई है जो रिवाइज एस्टिमेट था उससे, तो ये आपको याद रखना है। सरकार ने टोटल 615 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्चा कराया इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर टोटल रिसिप्ट देखें इस साल के लिए, तो एस्टिमेट की गई है 66,855 करोड़, पिछले साल से 5.3% ये ज़्यादा है, और रेवेन्यू सरप्लस अगर देखें तो वो टारगेट किया गया है 4,781 करोड़, जो 1.7% ऑफ द स्टेट जीडीपी है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.49% ऑफ द स्टेट जीडीपी है, ये इन्हें थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको याद रखना है। और फिस्कल डेफिसिट पिछले साल जो थी वो लगभग 2.92% ऑफ द स्टेट जीडीपी थी। कुछ पॉलिसी हाईलाइट देखते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक योजना है जिसका नाम है सूचना क्रांति योजना, तो बजट में यह अनाउंस हुआ है कि फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे, 200 करोड़ रुपए की लागत से 45 लाख स्मार्टफोन दिए जाएंगे गरीब परिवारों को। इसका नाम है सूचना क्रांति योजना, जिससे हम कम्युनिकेशन को बढ़ा सकें। और एक नंबर भी दिया है 112 स्कीम, डायल 112। इसमें यह है कि आप अगर नंबर डायल करते हो 112, तो पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप अर्बन एरिया में हैं, और अगर आप रूरल एरिया में तो 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएंगी। इसके लिए 240 गाड़ियां और 50 मोटरसाइकिल मुहैया कराई गई हैं, और इनको GPS से कनेक्ट किया गया है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिससे आपके लोकेशन पता चल जाए। और 50 करोड़ रुपए स्कीम के लिए रखा गया है, तो स्मार्टफोन स्कीम के लिए रखा गया है 200 करोड़ और डायल 112 स्कीम के लिए रखा गया है 50 करोड़। कुछ और देखते हैं, टैक्स पेमेंट पे डिस्काउंट होगा 0.5%, ये टैक्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा गुड्स के ऊपर, लेकिन इनमें ये सब इंक्लूड नहीं है, सीमेंट, स्टील, कोल, डीजल, मोटर व्हीकल, पान मसाला इत्यादि, ये सब इसमें नहीं है। ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप डिजिटली पे करोगे। ये आपको 1 जुलाई तक मिलना था, मतलब जब तक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं होता तब तक। और सबसे अच्छी बात ये इस बार बजट में कि जो एजुकेशन पे जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा अलॉट किया गया है, 13,355 करोड़ रुपये एजुकेशन के ऊपर किया गया, जो पिछले साल से 3.4% ज़्यादा है। उसके बाद जो अगला सबसे ज़्यादा है वो है 6,127 करोड़, ये कैपिटल आउटले ऑन रोड्स एंड ब्रिज, यानी पुल और सड़कें बनाने के लिए 6,127 करोड़, पिछली बार के बजट से 9% ज़्यादा है। उसके बाद फूड स्टोर वगैरह करने के लिए है 4,525 करोड़। सरकार का जो खर्चा है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ आते हैं स्टेट के, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वो है प्रपोज किया गया है 14,454 करोड़, जो पिछली बार से 17.4% ज़्यादा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया है वो ट्रांसपोर्ट पे किया गया है 6,249 करोड़, फिर सिंचाई पे 2,572 करोड़, और फिर अर्बन डेवलपमेंट पे 1,481 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये प्रपोज किया गया है 61,313 करोड़, जो पिछले साल से 5.8% ज़्यादा है। इसमें जैसे सरकार की जो सैलरी होती हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम वगैरह होते हैं, वो सब एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और अनाउंसमेंट देखते हैं। एग्रीकल्चर पे 10,433 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है बजट के अंदर, एग्रीकल्चर बजट, जो पिछले साल से 24% ज़्यादा है। इसमें 131 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा माइक्रो इरीगेशन स्कीम पे, माइक्रो इरीगेशन। और इलेक्ट्रिसिटी पे
554 करोड़ रुपए यानी जैविक ऊर्जा वगैरह, और इसमें 20,000 सोलर पंप दिए जाएंगे किसानों को। सौर ऊर्जा से चलेंगे ये पंप सिंचाई के लिए। इस पे जो योजना है इसका नाम है सूर्य सुजल योजना। मैं रिपीट करता हूँ, सूर्य सुजल योजना। तो ये योजना है, सौर सुजल योजना भी इसे बोलते हैं शॉर्ट में। और इसमें एक और चीज़, 2171 करोड़ रुपये ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के लिए किया गया है, फार्मर को 5 हॉर्स पावर तक के पंप मुहैया कराने के लिए। तो उस पर जो टोटल फंड है वो है 2171 करोड़। इसके अलावा 800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, 6,424 घर बनेंगे टोटल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा 10,000 घर बनेंगे पुलिसमैन के लिए। तो ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है 5 साल में 2011 से 2016, वित्तीय वर्ष 2012 से 2017 वित्तीय वर्ष 5 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ है छत्तीसगढ़ का 3.7% रियल टर्म्स में, और इसी समय में जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो ग्रो हुआ है 8.1%। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, इनका नाम है जस्टिस थोथाथील भास्करन नायर यानी टीबी नायर राधाकृष्णन। ये पहले केरल हाई कोर्ट में जज थे और अब ये बन गए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सीआरपीएफ कमांड इसको शिफ्ट कर दिया गया है कोलकाता से छत्तीसगढ़। याद रखिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस कमांड होता है सीआरपीएफ का, उसका हेडक्वार्टर अब कोलकाता से शिफ्ट करके कर दिया है रायपुर। इससे जो नक्सलवाद है उस पर निपटने में मदद मिलेगी। और अभी अभी जैसे सुकमा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 37 जवान मार दिए थे पैरामिलिट्री फोर्स के, तो इस तरह के इंसिडेंट को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और याद रखिए पहले भी रायपुर में ही था हेडक्वार्टर, लेकिन 2010 में जो सेंट्रल जोन कमांड हेडक्वार्टर है इसे रायपुर में शिफ्ट कर दिया, रायपुर से कोलकाता में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब दोबारा इसे कोलकाता से रायपुर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट जो है जिसे बोलते हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये भारत का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अंदर। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में ये भारत का नंबर वन एयरपोर्ट है। और जो दूसरा स्थान मिला है वो उदयपुर एयरपोर्ट को, तीसरा अमृतसर, चौथा देहरादून एयरपोर्ट को। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो 31 अगस्त तक उन्होंने टारगेट रखा है 8 करोड़ पौधे लगाने का, ये इनका टारगेट है। और ये 20 जुलाई को अनाउंस हुआ था और 31 अगस्त तक 8 करोड़ पौधे, और इसका इन्होंने नाम रखा है हरियार छत्तीसगढ़ कैंपेन। एक और बात, ऑक्सी जोन बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ के 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑक्सी जोन का मतलब ये होता है कि ये 3 से 5 एकड़ की जमीन पर बनाए जाएंगे। इसमें जो हवा है वो फ्रेश एकदम ऑक्सीजन रहेगी और रिजुवेनेशन के एरिया, रिक्रिएशन, रिन्यूएबल, इस तरह के एरिया रहेंगे। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण के बचाने के लिए इस तरह के जोन बनाए जाएंगे, इनका नाम है ऑक्सी जोन। एक और इंपॉर्टेंट योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है लक्ष्य भागीरथी अभियान, ये केंद्र सरकार ने लॉन्च कराया अभी अभी। इसमें इरीगेशन के जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं वो सारे पूरे किए जाएंगे। तो ये जो कैंपेन है ये इसने काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई है लक्ष्य भागीरथी अभियान में। 500 करोड़ रुपए इसके अंदर सैंक्शन किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए, जिससे वो फार्मर्स को कंपनसेट कर सकें जमीन अधिग्रहण के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए। और 106 स्कीम है जो 70 इनमें से पूरी कर दी गई हैं पिछले एक साल के अंदर। इनमें से कई स्कीम बहुत पुरानी थी, 30-40 साल से चल रही थी, पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन लक्ष्य भागीरथी अभियान ये है कि जो भी पेंडिंग स्कीम है सारी पूरी करनी है, तो वो काफ़ी स्पीड से पूरी हो रही है। इसके अलावा सौर सुजल योजना मैंने आपको बताई है, ये नई स्कीम है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी छत्तीसगढ़ में फार्मर्स के लिए। और सौर सुजल योजना में ये है कि जो पावर मतलब जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो पंप है, मोटर वगैरह दी जा रही है, ये मोटर किससे चलेंगी, ये सौर ऊर्जा से चलेंगी, सोलर पावर से चलेंगी, सब्सिडाइज रेट पर ये दी जाएंगी। इसमें टोटल 2 तरह के पंप हैं, 3 हॉर्स पावर के और 5 हॉर्स पावर कैपेसिटी के। 3 हॉर्स पावर का जो पंप आता है वो 3.5 लाख रुपये का आता है और 5 हॉर्स पावर का आता है 4.5 लाख रुपए का आता है, लेकिन अब ये सब्सिडाइज रेट पे दिए जाएंगे। तो 51,000 फार्मर बेनिफिट करेंगे इससे 2 साल के अंदर, याद रखिए। और ये जो पंप है किसानों को 31 मार्च 2019 तक दिए जाएंगे, ये टारगेट है, ये डेडलाइन है। और टोटल 51,000 फार्मर को दिए जाएंगे 2 साल के अंदर। ये प्रायोरिटी बेस पे इंप्लीमेंट की जाएगी उन एरियाज में जहां पे बिजली अभी नहीं है, उन फार्मर्स को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे बोलते हैं क्रेडा। तो ये थे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पिछले 7 महीने के, और काफ़ी इस वीडियो के दौरान कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आई होप ये वीडियो आपको आने वाले जो लोकल एग्जाम है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ पीएससी है
और जो दूसरे लोकल लेवल छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर या पटवारी वगैरह, ये सारे जो लोकल स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, टीचर की भर्ती, ये सब इनमें आपकी मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।